सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कप्तान विराट कोहली के शानदार शतकीय पारी और युवा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने शुक्रवार को सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेले गए 6 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 5-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम के 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 32वें ओवरों में ही 206 रन बनाकर मैच जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ओपनर रोहित शर्मा जल्दी ही आउट हो गए। वह केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली ने शिखर धवन के साथ मिलकर पारी संभाली। वहीं 80 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। लुंगी एंगिडी ने शिखर धवन को खाया जोंडों के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। धवन केवल 18 रन ही बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने कप्तान कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी हुई। कोहली ने 96 गेंदों में 19 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 129 रनों की नाबाद पारी खेली। विराट ने इस मुकाबले में अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 35वां शतक जमाया। इसके साथ ही कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 81 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 34 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुंगी एंगिडी ने 2 विकेट झटके। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 204 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने आए सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला सस्ते में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनको युवा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। इसके बाद कप्तान मार्क करम भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। प्रोटियाज टीम की तरफ से सबसे अधिक रन खाया जोंडो ने बनाए। उन्होंने 74 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 54 रन की पारी खेली। इसके अलावा एबी डिविलियर्स 30, हेनरिच क्लासेन 22 और एंडल फेलुकवायो ने 34 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया की तरफ से युवा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान विराट कोहली ने टीम में एक बदलाव किया। भुवनेश्वर कुमार की जगह युवा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मौका दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए। तबरेज शमसी की जगह इमरान ताहिर, डेविड मिलर की जगह खाया जोंडो, जेपी डुमिनी की जगह फरहान बेहरादीन और कागिसो रबाडा की जगह क्रिस मॉरिस को शामिल किया। बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया ने सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी थी। मेन इन ब्लू ने डरबन में पहला मैच 6 विकेट से, दूसरा मैच सेंचुरियन में 9 विकेट से और तीसरा मैच केप टाउन में 124 रन से जीता था, लेकिन प्रोटियाज टीम ने बारिश से प्रभावित चौथे पिंक वनडे में 5 विकेट से जीत हासिल कर मैच में वापसी की थी। वहीं पांचवें वनडे में टीम इंडिया ने प्रोटियाज टीम को 73 रनों से हराकर इतिहास रचा था। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 6 मैचों की वनडे सीरीज को विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम ने 5-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही। भारत ने 26 साल बाद प्रोटियाज को उनके घर में मात देने में कामयाब रही। विराट कोहली का बल्ला इस सीरीज में जमकर चला और उन्होंने वनडे सीरीज में 3 शतक के बदौलत 558 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके अलावा इस सीरीज में उनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हुए। आइए जानते हैं उन रिकॉर्ड्स के बारे में। विराट कोहली ने आखिरी वनडे में अपने वनडे करियर का 35वां शतक लगाया। इसके अलावा कोहली बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से एबी डिविलियर्स के साथ दूसरे नंबर पर जा पहुंचे हैं। उनके नाम अब तक 13 शतक हैं। कोहली से अधिक बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने का कीर्तिमान ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम है। उन्होंने 22 इंटरनेशनल शतक बनाए थे। विराट कोहली ने वनडे सीरीज में तीसरा शतक लगाया। इसके साथ दक्षिण अफ्रीका में उन्हीं के घर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले मामले में वे सौरव गांगुली के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर जा पहुंचे हैं।
दोनों के नाम अब 3-3 शतक हैं। कोहली विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इन सभी ने कई शतक हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर 29 सेंचुरी के साथ पहले नंबर पर हैं। विदेशी सरजमीं पर बतौर कप्तान किसी द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की सूची में कोहली संयुक्त रूप से एबी डिविलियर्स के साथ पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। इन दोनों के नाम 3-3 शतक हैं। खास बात यह है कि डिविलियर्स ने भारत और कोहली ने द अफ्रीका के खिलाफ लगाए हैं। सचिन के बाद कोहली दूसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिनके नाम एक द्विपक्षीय सीरीज में 500 से अधिक रन हैं। कोहली ने इस मैच में अपने वनडे करियर के 100 कैच पकड़ा। उन्होंने इस मैच में बुमराह की गेंद पर इमरान ताहिर का जबरदस्त कैच पकड़ा। उनके अलावा वनडे में 100 या फिर इससे ज्यादा कैच पकड़ने का कीर्तिमान मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना के नाम है। विराट कोहली के नाम अब विदेशी सरजमीं पर खेली गई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले विदेश में खेली गई किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015-16 में खेली गई सीरीज में 491 रन बनाए थे। विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने जिनके नाम द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन है। उन्होंने इस सीरीज में 558 रन बनाए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली के नाम था। उन्होंने 2013-14 में भारत के खिलाफ 478 रन बनाए थे। विराट कोहली के वीरों ने वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को ऑन द मूव दे मारा। उम्मीद थी कि टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मेजबान टीम भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन हाल एकदम उलट साबित हुआ। इसकी एक बड़ी वजह नियमित कप्तान फैफ डु प्लेसिस, एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर का चोटिल हो जाना भी रहा, लेकिन इससे ऊपर एक सबसे बड़ी वजह भी सामने आई जो दक्षिण अफ्रीकियों को आईना दिखा दे गई। चलिए इसका सबूत हम आपको दे देते हैं। हाल ही में महान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जैक्स कैलिस सहित कई दिग्गज क्रिकेटरों ने यह स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज स्पिन को खेलने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और अगर इन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल भी गलत नहीं कहा। भारत के खिलाफ 6 वनडे मैचों की सीरीज में कम से कम आंकड़े तो यही बताते हैं कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीकी प्रशासकों को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के इस हाल की सबसे बड़ी वजह बने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, जो वैश्विक रिकॉर्ड बनाने से बस चंद विकेट ही दूर रह गए। आपको बता दें कि किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट श्रीलंकाई स्पिनरों ने साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ चटकाए थे। तब इंग्लिश स्पिनरों ने मिलकर 38 विकेट अपनी झोली में डाले थे। इसके बाद साल 2009 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी जमीन पर 37 विकेट चटकाकर बांग्लादेश ने दूसरी पायदान पर कब्जा कर लिया। एक बार और बांग्लादेशी स्पिनरों का जादू अपनी जमीन पर चला जब साल 2012 में उन्होंने दो देशों की सीरीज में अपनी ही धरती पर 33 विकेट चटकाए। ये आंकड़े यह बताने के लिए भी काफी हैं कि इतने विकेट बनवाने वाली टीमों को भारतीय उपमहाद्वीप में स्पिनरों को खेलने की वास्तविक कला पर अभी भी काम करना बाकी है। लेकिन भारतीय स्पिन जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीकी टीम की उसके घर में ही पोल खोल दी। यह इस रिकॉर्ड के लिहाज से नई बात रही। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 6 वनडे मैचों की सीरीज में मिलकर 33 विकेट चटकाए और इन दोनों द्वारा किया गया यह बड़ा विध्वंस ही दक्षिण अफ्रीका की अपने घर में सीरीज पराजय का उसके खिलाड़ियों को लगी चोट से भी बड़ा कारण रहा। इस मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करा। धोनी ने विकेट के पीछे रहते हुए साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला को अपना 600वां शिकार बनाया। अमला ने शार्दुल ठाकुर की लेग साइड पर जाती गेंद पर धोनी को अपना कैच थमाया। वहीं अंतिम वनडे में धोनी ने बतौर विकेट कीपर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 600 कैच पूरे किए। इसी के साथ वह दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विकेट कीपर बने। उनसे आगे दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट हैं। भारतीय टीम की स्पिनर जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन किया है। छठे वनडे में दोनों ने 3 विकेट लिए। कुलदीप ने 1 विकेट जबकि चहल ने 2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने भी कातिलाना अंदाज में गेंदबाजी की जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 204 रन पर सिमट गई। दोनों स्पिनर ने अब तक सीरीज में 33 विकेट लिए हैं।
दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा है कि वे इन दोनों गेंदबाजों का सामना कैसे करें। घरेलू मैदान भारत में दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और ट्विटर सुपरस्टार वीरेंद्र सहवाग ने इस युवा स्पिनर जोड़ी की दिल खोलकर तारीफ की। वीरू ने कहा कि दोनों गेंदबाजों ने इस सीरीज में अपने वार से दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह घायल कर दिया, यानी उनकी जीत छीन ली। सहवाग ने अपने ट्वीट में इस जोड़ी को एक नया नाम दिया और वे है चाकू यानी चहल और कुलदीप। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। भारत की इस शानदार जीत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।